आओ जी, अब हम आगे अपने 78th क्वेश्चन पे। किस पे आगे बेटा? 78th क्वेश्चन पे क्या कहता है? कहता है एक्स वाई जेड आर द पार्टनर्स इन टू अ पार्टनरशिप फर्म ऑन द 1st of October 2020। माई लॉर्ड, अंडरलाइन किया जाए 1st of October को। ये जो फर्म है ना, फर्म वो 1st October को बनी है। कब बनी है फर्म बेटा? 1st October को ये फर्म बनी है। टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:3। पार्टनरशिप फर्म एंटर्ड इन टू अ पार्टनरशिप, XYZ पार्टनरशिप फर्म में एंटर हुए 1 अक्टूबर को, मतलब साल के बीच में, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:3 है। X पर्सनल गारंटी दैट Z, X ने पर्सनली गारंटी दी है। तो इसकी ये कौन सी गारंटी है? फर्म गारंटी है कि पर्सनल गारंटी है? पर्सनल गारंटी है। X पर्सनल गारंटी दैट Z शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, वुड नॉट लेस देन द 80,000, 80,000 से कम नहीं होगा। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड कितना है बेटा? 3 लाख, 2 लाख और 2 लाख, 1.5 लाख। 80,000 इन अ ईयर। इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर ले। प्रिपेयर करके दिखाएं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बना के दिखाना है? अपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। तो बना लेते हैं भाई, कौन सी मुश्किल बात है पीएल अप्रोप्रिएशन बनाने में? बाय पीएनएल, फर्म का प्रॉफिट बताओ कितना है? 1,80,000, 1,60,000। माय मिस्टेक, 1,60,000। टू क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा एक बात बताओ, ये फर्म बनी कब है? हमारा साल शुरू होता है 1 अप्रैल 2020 को, खत्म होता है 31 मार्च 2021 को, पर ये पार्टनर्स फर्म में एंटर हुए थे 1st October 2020 को। तो इस साल इन्होंने सिर्फ कितना काम किया है? 6 महीने। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कितना मिलेगा तो तीनों को, एक्स वाई जेड को? 6 महीने का। तो एक्स वाई जेड कितना 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 कैपिटल इनका बोलो? 2 लाख और 1.5 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कितना है? तो 10% देना है तो उसका हाफ हो जाएगा। आईओसी देना है 10% पर एनम, पर इस साल हमने काम ही कितने महीने किया है, तो दैट इज 5% हो गया, है ना? मोटा मोटा काम ही खत्म हो गई, कैलकुलेशन आसान हो गई। 3 लाख का 5% 15,000, है ना? फिर 2 लाख कैपिटल है तो 2 लाख का 5% 10,000 और 1.5 लाख का 5% 7,500, 25, 30, टोटल हो गया 32,500 रुपए। यस और नो? यस और नो? अब बचा हुआ प्रॉफिट किसमें बांट दोगे? प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक्स को दो, वाई को दो और जेड को दो। दो भाई दो, दो प्रॉफिट दो। कितना प्रॉफिट बच गया बोलो? टोटल कितना प्रॉफिट है? 1,60,000, 1,00,000। 1,60,000 में से 32,500 गए तो 1,27,500 को डिवाइड कर दो, इनकी पीएसआर कितनी है? 10 × 3, इसे देंगे 38,250, इसको भी देंगे 38,250 और इसको देंगे 51,000 रुपए। ये सुन लो, बिल्कुल सर सही बात है। हमने कैसे बांट दिया इन तीनों को? कैसे बांट दिया? इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि 4:3:3 है। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आती है सबको? अब Z को गारंटी कितने की दी थी? अब यहां देखते हैं बेटा, Z's मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट कितना है बताओ? Z को हमने कितने की गारंटी दे रखी है बेटा? हमने उसको कह रखा है कि तेरे को 80,000 रुपए सालाना मुनाफा होगा। एक साल में देखो कितने का मुनाफा होगा? 80,000, हमने गारंटी दिया उसको। सर साफ साफ शब्दों में चिल्ला चिल्ला के क्वेश्चन बोल रहा है, 80,000 इन अ ईयर, एक साल में 80,000। इस साल तो फॉर्म चली कितने महीने है? 6 महीने। तो गारंटी भी कितने की दी जाएगी? 80,000 / 12 महीने। इस साल फॉर्म 6 महीने चली है तो कितने की गारंटी दी जाएगी बेटा?
गारंटी दी जाएगी 40,000 रुपए की। हाँ कोई बात नहीं, आईओसी देने के बाद जो प्रॉफिट आएगा ना, तो आईओसी देने के बाद ही प्रॉफिट है बेटा। हाँ जी, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा भाई साहब ने कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो प्रॉफिट आएगा तो वो कितना होना चाहिए जेड का, 80 के 40, 80,000 होगा अगले साल से। इस साल की गारंटी सिर्फ कितनी लगेगी, 40,000। मैंने जिम में जाके पूछा कि मैं कहा अंकल क्या फीस है आपकी, कहते सर हमारी फीस 12,000 एनुअली है। मैंने अक्टूबर में ज्वाइन किया तो बताओ मैं 12,000 दूंगा कि 6,000 दूंगा, 6,000 दूंगा, क्योंकि ज्वाइन ही कब किया है, अक्टूबर में। ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो इसमें प्लस क्या करेंगे, प्लस कितने पैसे करने हैं, 40 देने हैं ना, माइनस उसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, एक्चुअली प्रॉफिट कितना है, 38,250, तो 1750 की इसकी क्या निकल आई, डेफिशिएंसी। 1750 आ गए ना, तो प्लस 1750 और इसमें से माइनस क्या कर देंगे, 1750। भाई गारंटी किसने दी थी पढ़ो, एक्स ने दी थी, एक्स ने कहा था कि जेड को इतने से कम प्रॉफिट नहीं होगा, तो दे दिया एक्स ने। तो इसके जो 1750 इसको होना चाहिए था साल भर में 40,000 का प्रॉफिट। अब बच्चे कंफ्यूज हो गए ना, 80 से ही कर देते, मैं आपको सच बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे किससे करते हैं, 80,000 से ही कर देते हैं क्वेश्चन, पर 80 नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि फॉर्म चली कितने महीने है, 6 महीने चली है। क्या लिखोगे, डेफिशिएंसी ऑफ जेड, क्या लिखोगे, बॉर्न बाय एक्स। तो इसको कितने पैसे मिलेंगे सर, इसको तो 38,250 ही मिलेंगे। वाई तो भाई साहब मन ही मन खुश हो रहा है, कह रहा भाई और बोल ले तू। ठीक है, तो इसको 51,000 में से इसके 1750 रुपए हम काट लेंगे, तो इसे मिलेंगे 49,250। इन तीनों को ऐड करोगे तो वही आएगा 1,27,500 रुपए। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैं एक बार हट गया, आप मुझे पॉज करके आराम से नोट कर लीजिए।